जप का जो मंत्र जप है वो मुंह में नहीं घूम रहा है, ज्यादा से ज्यादा एक किसी की तीन माला, किसी की चार माला, किसी की पांच माला, इससे ज्यादा तो नहीं हुई, दो माला से ज्यादा नहीं हुआ है। फिर भी आपके सामने जो मिट्टी का एक और एक कटोरा खाली दिया, उसमें कर्पूर डालकर आरती करो और इस सारी सामग्री को उसी कपड़े में बांध कर रखो और कल सुबह 8:40 तक गुरु पूर्णिमा है, किसी भी तरह 11 माला पूर्ण करो। अभी मैं विशेष प्रायश्चित मंत्र दे रहा हूँ, जिसके कारण हम अगर इस साधना को बीच में रोक रहे हैं तो उसके लिए प्रायश्चित मंत्र देता हूँ। आपके पास कर्पूर रखा हुआ है, उस इसमें लेकर उस शिवलिंग की आरती करो। आप ले लो और जो दिया बाजू में रख के निकाल कर रखे, प्रसाद आपके घर वाले और आप सभी लोग भक्षण कर सकते हैं। प्रसाद ले लो, जो प्रसाद खजूर आदि ड्राई फ्रूट रखे हैं वो ले लो। बाकी की सारी सामग्री, काले तिल, शिवलिंग, माला, ये सभी उसी कपड़े में बांध कर रखो, तांबूल के साथ। फल बाजू में निकाल लो, शिवलिंग को, तांबूल को, माला को, गंध आदि को उसी कपड़े में बांध दो काले तिल के साथ। उसी कपड़े में सारी सामग्री बांध दो। फोटो आपके पास रखो, घर में अपने मेन दरवाजे पर रखना चाहिए, घर में कोई दोष हो तो चले जाता है। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। कपड़े में बांध कर रखो, टोटली करके उसमें नहीं रखना है, टोटली अलग करना है। दिया बाद में रख दो, फिर बाद में मैं वहां रखवा देता हूँ। माला भी उसमें ही रखना है। कल सुबह 8:40 तक पूर्णिमा है, बहुत सारे लोग कल भी गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, आज भी गुरु पूर्णिमा है, लेकिन आज ज्यादा देर गुरु पूर्णिमा रात भर रहने के कारण मैंने गुरु पूर्णिमा आज ही मनाई है। कल 8:40 सुबह तक है, आपको जब भी समय मिले कल तक इस 11 माला पूर्ण कर दो। यही पूर्ण करते हैं तो आप में सिद्धाश्रम योगी का प्रवेश होता है। एक विशेष बात याद रखो, इस पोटली को जहाँ ज्योतिर्लिंग है, जैसे नासिक त्र्यंबकेश्वर है, उज्जैन के महाकाल है, श्रीशैलम के कृष्णा नदी है, इस नदी में 11 माला पूर्ण होने के बाद इसे विसर्जित कर दो और निश्चित रूप से आप देखना कि कोई योगी आप पर आकर जरूर टोकेगा और आपके पास से दक्षिणा ले जाएगा, वो सिद्धाश्रम का योगी ही होगा। इस बात की आखिरी बात करा दो, इस पानी को पवित्र नदी जल में विसर्जन करना है।
जो ज्योतिर्लिंग के पास हो, जिसे नर्मदा नदी है, गोदावरी है, कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा आदि नदियों में ही विसर्जन करना है। जिस दिन विसर्जन करोगे, विसर्जन के लिए कोई समय नहीं है, जब भी आपको समय मिले, काशी की गंगा हो, जब भी इसमें विसर्जन करोगे, आप तो निश्चित रूप से देखेंगे कि आपको कोई आके योगी टोकेगा और आशीर्वाद देकर जाएगा। अब इसकी बात क्या रखना, वो पोटली आपको बांध के रखना है, कल सुबह तक 11 माला पूर्ण कर लो जब भी समय मिला। अभी आपको एक बात कहता हूँ, पोटली आप बांधने के बाद आपका दिया ले जाकर रख दो, और उदय महाराज, शेषु महाराज यहाँ बैठे हुए हैं, जो सुबह तीर्थ का अभिषेक किया गया है, उस तीर्थ का प्रसाद आपको सभी को उदय महाराज और शेषु महाराज दोनों भी देंगे। उन्होंने आपको पूजा बताई है, उसके दक्षिणा के साथ तीर्थ लेके उनके पास जाओ, बाकी का कार्यक्रम मैं समझाता हूँ। आप वहाँ बैठो, दोनों भी बैठे रहो।